तो गुड मॉर्निंग, सुबह के लगभग 10:30 बज गए और आज भी मौसम बादल वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 7 बजे है। तो वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो जाने से पहले थोड़ा सा मैंने सोचा पोहा वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले। लास्ट वीडियो में देखा आपने, बिल्कुल टाइम ही नहीं था खाने का पीने का, तो पूरा दिन बहुत बिजी था। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर पोहा खा रहा हूँ। इंदौर में पोहे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, वैसे 10 रुपये की प्लेट है ये। खाना पीना मुझे सही लगा इंदौर का, बहुत सही चार्ज में इधर यहाँ आपको स्ट्रीट फूड मिल जाता है और यहाँ का स्ट्रीट फूड फेमस भी है। तो आज का जो वीडियो होगा इंदौर का, उसमें हम यहाँ का स्ट्रीट फूड भी देखेंगे। तो अभी यहाँ से पोहा खा के मैं आगे बढ़ूँगा और फिर आगे जाके करीब यहाँ से मुझे 18-20 किलोमीटर दूर जाना है। पितृ पर्वत एक जगह है जो काफ़ी फेमस है, वहाँ से फिर मैं वीडियो की शुरुआत करने वाला हूँ। भैया एक चाय दे दो। क्या हो गया? मोदी जी की चाय बहुत फेमस है। किसकी? मोदी जी की। हाँ। मोदी जी की चाय है ये? हाँ, ये मोदी जी है। अच्छा, ये मोदी जी है। तो मोदी जी की चाय पीते हैं। मोदी जी की चाय से याद आया, मोदी जी फिर से आ गए अभी सब जगह है, सिक्का लगा दिया। बढ़िया है। एमपी में आप क्या चाहते थे? यही चाहते थे? यही चाहते थे हम तो। चलो बढ़िया। क्या नाम है? इधर आ, इधर आ। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। सूरज, कितने साल के हो तुम? 17। बहुत ही क्यूट सा बंदा मिला मुझे, इसका नाम है सूरज और इसकी उम्र है 17 साल, है ना। मैं नीचे बैठा हूँ लेकिन फिर भी हम सिमिलर हो गए, और बोलने में बहुत एक्सपर्ट है ये। मैं देख रहा हूँ कब से, इसको नोटिस कर रहा हूँ कि क्या करते हो यहाँ पर? ये चप्पल जूता का स्टैंड। चप्पल जूता का स्टैंड पर पढ़ाई करते हो कि नहीं? करता हूँ। कौन सी क्लास? 9th में। क्या बात है। अच्छा, तो आज के वीडियो का पहला पॉइंट मैंने फिनिश कर लिया है, जो कि पितृ पर्वत है, और यहाँ पर मुझे ये सूरत बंदा मिला, इसके साथ में 15-20 मिनट बैठा, काफ़ी अच्छा लगा। और एक्सपर्ट खिलाड़ी है ये जब लोगों से बात करता है ना तो देखने में मज़ा आता है, बहुत ही कॉमेडी और फनी बात करता है ये। कुछ बोलना चाहेगा? बस कुछ मस्ती मजाक करना चाहेगा? कुछ डायलॉग मारना चाहेगा? डायलॉग नहीं आता है? डायलॉग नहीं आता है? नहीं आता है। जय सियाराम। तो अभी यहाँ से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, एक दो पीछे मंदिर और है वो देखेंगे और फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। पितृ पर्वत से अभी मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो गया है, यहाँ पर बादल ही बादल है और अभी लगभग 1 बज चुके हैं, लेकिन मौसम ऐसा है जैसे सुबह के 8 या 9 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी हिमाचल में यहाँ उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूम रहा हूँ, ऐसा मौसम हो रखा है यहाँ पर अभी। तो अभी हम आ गए हैं लालबाग पैलेस पर, यहाँ पर एक पैलेस है और गार्डन भी है। तो मैं लालबाग पैलेस से बाहर आया हूँ, काफ़ी अच्छा पैलेस है, और यहाँ पर मुझे हमारे गुजरात के कुछ लोग मिले हैं अहमदाबाद से। अहमदाबादी छो ना बता पक्का? तो खावानो शोधी लीधू के नहीं? मजा आवी ने? एकदम मजा आवी। तो खाली लेडीज मंडली छे के जेंट्स भी छे? अंदर तालामा पूरी तो नहीं आया ने? चलो सरस, ओके, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। है मौना के चले जाओ। हाँ, आपकी गाड़ी मिल जाएगी। तो लोचा हो गया यहाँ पर, मैं मंदिर में दर्शन करने गया तो यहाँ पर बाहर सभी टू व्हीलर पड़ी है, तो मैंने भी टू व्हीलर यहाँ पर रख दी थी, तो मैं यहाँ पर आया तो मुझे गाड़ी नहीं मिली। हाँ। टेंशन में आ गया, मतलब गाड़ी किधर गई? तो भाई साहब को पूछा तो बोले अभी क्रेन उठा के लेके गई। भाई साहब आप बोलते थे यार, भाई साहब हमारी गाड़ी है। तो अभी कहाँ जाना पड़ेगा उसको छुड़ाने के लिए? मऊ नाका इधर ही है। अच्छा,
2 किलोमीटर है यहाँ। देखो अभी क्या सिचुएशन हुई है, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है क्योंकि मुझे शूट पूरा करना है, अभी लगभग 2 से 3 पॉइंट बाकी है और 5:30 बज गए हैं अभी। तो अभी मैं गाड़ी लेने जाऊंगा, उसको छुड़ाने जाऊंगा, तो आधा पौना घंटा तो कम से कम मेरा वेस्ट होने वाला है, मतलब पूरा दिन ख़त्म। फिर पहली बार हुआ है ऐसा मेरे साथ के शूटिंग करते करते कोई गाड़ी उठा के लेके चला गया। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी छुड़वा के लाते हैं। अरे भैया मऊ नाका चलोगे? हमारा एक वो 2-व्हीलर लेके चला गया है तो लेके आना है हमको। हाँ यहीं पे है ना, हाँ यातायात वाला। चलो कितना लगेगा? मेरा जो है ना 2-व्हीलर लेके चला गया वो ट्रैफिक वाला, तो चलो 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 आ जाओ आ जाओ। तो ये भाई साहब है, इनकी भी 2-व्हीलर लेके चले गए हैं, तो हम साथ में चलते हैं, चलो लेके आते हैं। की गाड़ी कहाँ से लेके गए? कहाँ रखी थी? सामने। तो मैंने भी अन्नपूर्णा माता मंदिर के बाहर ही रखी थी, जबकि प्रसाद वाले को बोल के गया था कि मैं गाड़ी रख के जा रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। एक तो वैसे ही समय कम है, इस पर से ये गाड़ी वाले ट्रैफिक वाले लेके चले गए गाड़ी। चलो मैंने दे दिया, आ जाओ। अभी आप गाड़ी कहाँ है वो बताओ, आपकी और मेरी दोनों की गाड़ी लेके आते हैं। ये रहा। तो अंधेरा हो गया है और यहाँ पर है हमारी गाड़ी, ये पुलिस थाना है, यहाँ पर ये चौकी है, इनसे मैंने बात कर ली है और ये है हमारी गाड़ी, यहाँ पर खड़ी है। बहुत समय ख़राब हो गया मेरा इसके चक्कर में, कम से कम 40 मिनट बिगड़ गया और अंधेरा भी हो गया है। क्या फेमस है आपके यहाँ? कोतरा पेटिस। अच्छा एकदम क्रिस्पी, वाह शानदार आइटम है इनका ये। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, लाजवाब। और कुछ नया आइटम खाने को मिला मुझे इंदौर में, काफ़ी नाम सुना था इनका और खाकर सचमुच जैसा नाम था वैसा मुझे इनका काम मिला। हम लोग सूरत से हैं, गुजरात से, तो सूरती खमंड है, फ्राई खमंड, खमणी। हाँ हाँ, तो अजी हमारी दुकान है ना चौटा बाजार में। हाँ हमारू मोटू घर त्याज है। बिल्कुल। मारू नाम जतिन भाई, गुजराती कहीं पर जा से ये तो नाम कमावाना अच्छे है तो। बिल्कुल। ये तो भाई साहब सूरत के ही निकले, इसीलिए मुझे थोड़ा टेस्ट सिमिलर लग रहा था, सूरत जैसा टेस्ट लग रहा था। तो इन्होंने बताया कि ये बेसिकली सूरत से हैं, प्रॉपर वहाँ के हैं, तो काफ़ी अच्छा है इनका यहाँ पर सेटअप है। तो यहाँ पर मैं 2 आइटम ट्राई कर चुका हूँ, खोपरा पेटिस और मसाला डोसा। और मैंने सोचा था 4-5 आइटम ट्राई करूँगा, लेकिन मेरा पेट हो चुका है फुल, ना तो जगह है ना हिम्मत बची है खाने की। देखो आप, पूरा भर चुका है पेट। मेरी डाइट कम है, इतनी डाइट नहीं है, आपने मुझे नोटिस किया होगा, मैं ज़्यादा खाना वगैरह खाता नहीं हूँ। जो घर का खाना होता है वो मैं अच्छे से खा लेता हूँ, लेकिन बाहर का फूड थोड़ा अवॉइड करता हूँ। तो इंदौर आए हैं, पता नहीं कब आएंगे, तो कुछ खा के जाते, इसलिए मैंने खाया और आपको भी बताया। लीजिए। पूरा नाम क्या बताया? अमृत भाई सिकंजी। अच्छा। ये दूध का बनता है, दूध दही केसर इलायची किशमिश मट्ठा मिक्स है। अच्छा। तो ट्राई करते हैं आपकी सिकंजी। जी बिल्कुल लीजिए। आपको ये शॉप को कितना साल हो गया? 45 वर्ष। इंदौर से ही है प्रॉपर? प्रॉपर इंदौर से हूँ। अच्छा। तो मेरे खानदान मेरा राजस्थान से है, 60 साल से मैं इंदौर ही हूँ। अच्छा, आप राजस्थान के हो प्रॉपर? ये हमारी शुगर केन रसमलाई है। अच्छा। गिर गाय के दूध से बनी हुई और गन्ने के रस से बनी हुई है, आप टेस्ट करिएगा। शर्मा जी ने हमें ये शुगर केन रसमलाई टेस्ट करने के लिए कहा है, मैंने इनको मना किया लेकिन बोले खा के जाओ। ये इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया देसी टेस्ट है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है ये। और मेरा पेट तो भर चुका है, तो शर्मा जी ने बोला कि थोड़ा खा लो और 2 राउंड लगा लो, पच जाएगा। तो कोशिश कर रहा हूँ जितना खा सको उतना, क्योंकि जूठा हो गया है। पेट भर जाए पर मन नहीं भरे, उसी को कोई आइटम का मजा है। सही बात है, मन नहीं भरना चाहिए। तो ये देखो अक्षय कुमार भाई साहब
मधुरम की थैली लेकर जा रहे हैं। ये कहाँ का है? यही का है, इंदौर का। ये वीडियो चल रहा है अंदर अपने पास। ये हमारे कस्टमर जो बाहर से आते हैं, अच्छा, उनको हम लोग जी जलेबी बना रहे हैं हम लोग। ये पलक मुच्छाल है, हमारी इंदौर की बिटिया है। इसने बच्चों के हृदय के वाल खराब हो जाते हैं, उनके ऑपरेशन कम से कम हजारों करवा दिए हैं। आपके शिकंजी की तारीफ की मोदी जी ने जी। अक्षय कुमार जी हमारे इंदौर 56 दुकान मधुरम पर आए और हमारी मिठाइयाँ परचेसिंग करी। हम लोगों ने जो इनको गिफ्ट दिया वो खुद लेके जा रहे हैं। तो शर्मा जी के यहाँ पर मैंने शिकंजी पिया जो कि बहुत अच्छा था, उसके बाद में मैंने यहाँ पर रसमलाई खाई, शुगर केन वाली नहीं जी, जी। तो बहुत सही था। और शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, हंसमुख है और अपने हाथों से इन्होंने मुझे खिलाया। ये इनके पुत्र है और ये शर्मा जी है जिन्होंने ये दुकान चालू की थी, और हम हैं जिन्होंने इनकी दुकान पर आकर टेस्ट किया और काफ़ी मज़ा आया। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। धन्यवाद जी, जय श्री कृष्ण, थैंक यू। तो अभी इस वक्त 9:30 बजे हैं और लगभग 9 बजे के आसपास मैंने व्लॉग को ख़त्म किया है और अभी मैं फ्री हो गया हूँ बिल्कुल। अब मुझे टाइम मिला है, जब व्लॉग स्टार्ट होता है तब से लगा के व्लॉग ख़त्म होने तक बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। सुबह जो नाश्ता किया था, पोहा खाया था हमने ब्रेकफास्ट में, उसके बाद में अभी यहाँ पर खाना खाया है करीब 11 घंटे के बाद। वैसे इंदौर को देखने के लिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। मुझे एक दिन का समय मिला था तो एक दिन में जितना हो सके उतना मैंने ट्राई किया और लगभग अच्छा रहा, आज का दिन अच्छा रहा। तो ये स्कूटी इन भाई साहब से ली थी, इनका नाम है रितेश भाई, काफ़ी बढ़िया आदमी है। और 2 दिन के लिए हमने स्कूटी ली थी तो अभी इनको वापस दे रहे हैं। ये चेक करके लेके जाएंगे अपनी स्कूटी, देख लीजिए रितेश भाई, चेक कर लिया सब बरोबर है। तो रितेश भाई से स्कूटी ली थी मैंने और अभी इनको वापस दे रहा हूँ। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, जो यहाँ के मेन स्कूटी रेंटल वाले हैं ना वो थोड़ा भाव खाते हैं। फिर मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया तो ये मुझे होटल पर स्कूटी देने आए और जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो ये स्कूटी लेने भी आए हैं और बहुत सही आदमी है। तो अगर आप इंदौर आते हो तो स्कूटी या बाइक आपको रेंट पर चाहिए तो इनसे ले सकते हो। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बोलिए 9302408984। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके कोई सी भी गाड़ी ले सकते हैं। तो बाइक रेंट पर ली थी, उनको दे दी, भाई साहब को लेकर चले गए वो और अभी मैं रूम पर आया हूँ। कल की मुझे तैयारी करनी है, 11 बज चुके हैं, 12 भी बज जाएंगे तैयारी करते करते, और जल्दी सोना है मुझे क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है यहाँ से 6 बजे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।